जगदम्बा की मान्यता विदेशों में है या भारत से है? है? विदेशों में जगदम्बा की मूर्तियां विदेशों में बनती है, पूजा विदेशों में होती है, भारत में है। विदेशी लोग तो गॉड फादर को मानते हैं, गॉड मदर को नहीं मानते, लेकिन भारत में भी जो माता के रूप को मानने वाले हैं उनके लिए खास बोला है कि देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय। वो देवताओं से प्रभावित होते हैं या दैत्यों से प्रभावित होते हैं? जो रावण संप्रदाय है देवी के पुजारी, वो स्वधर्मियों से प्रभावित होकर के रहते हैं या विदेशियों से प्रभावित होकर रहते हैं? विदेशियों से प्रभावित होकर रहते हैं। इसलिए सीढ़ी के चित्र में कलुष युग में देवी की पूजा दिखाई गई है, कलयुग पापी कलयुग में देवी की पूजा दिखाई गई है, सिंगल देवी और सिंगल देवताओं की पूजा कलयुग में दिखाई गई। द्वापर भल द्वैतवादी युग है तो भी वहां सिंगल पूजा नहीं दिखाई गई। रावण संप्रदाय के गुरु निवृत्ति मार्ग को मानने वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग के? निवृत्ति मार्ग वाले, सारे निवृत्ति मार्ग वाले। स्त्री जाति को स्त्री जाति की अवमानना करने वाले, उन्होंने धर्मों में जो भी राजाइयां चली है, राजाओं के साथ रानी को नहीं दिखाया, या तो सिर्फ रानी का ही राज्य दिखा दिए। और भारत में राजा रानी का राज्य गाया हुआ है, लक्ष्मी नारायण का राज्य गाया हुआ है, राम सीता का राज्य गाया हुआ है, दोनों ही मिलकर गद्दी पर बैठते हैं। बाप आकर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं और देहधारी धर्मगुरु निवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। अभी भी ब्राह्मणों की संग भी दुनिया में जो भी पढ़ाई पढ़ाने के स्थान है, चाहे सेंटर्स के रूप में हो, मधुबन के रूप में हो, मिनी मधुबन के रूप में हो, गीता पाठशालाओं के रूप में हो, वहां देखना है कि पढ़ाई पढ़ाने वाले निवृत्ति मार्ग के सन्यासी हैं या प्रवृत्ति मार्ग के हैं। मुरली में तो बोला है निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखा सकते। अगर सिखाने वाले निवृत्ति मार्ग वाले बैठे हुए तो समझ लेना चाहिए वो कौन से धर्म की स्थापना करने वाले हैं, स्वदेशी धर्मों की स्थापना करने वाले हैं या विदेशी धर्मों की स्थापना करने वाले हैं।
चरणों में कन्वर्ट होने वाले हैं। अगर कोई है स्वदेशी धर्म की स्थापना करने वाले, तो जरूर शंकराचार्य के कुल के होंगे।